फ्लाइंग किस करते हैं? क्या हो गया राहुल गांधी को? ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये उस खानदान के लक्षण है, या सदन में देश को पता चले। पहली बार ऐसे हो रही है एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? इसलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरा से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। इतिहास में ऐसी घटना हम लोगों ने कभी देखी नहीं, ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा। जो पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया, और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती, तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं। और आज हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप आपका फुटेज निकालिए, और जब ये बात निकल कर सामने आएगी तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर होता है। पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने पूरी दुनिया ने देखा है। आज तो हद कर दी, और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जिसका हम लोग पूरे जोर विरोध करते हैं। फ्लाइंग किस करते हैं? क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था? भारत माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी, आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा?